हजरत लुकमान की मदा सना और उनकी बाज नसीहतों का तज़किरा कुरान में बड़ी अजमत व शान के साथ बयान किया गया है, और उन्हीं के नाम पर कुरान मजीद की एक सूरत का नाम सूरह लुकमान रखा गया। मोहम्मद बिन इसहाक साहिब मगाजी ने उनका नसबनामा इस तरह बयान किया है, लुकमान बिन आऊर बिन माहूर बिन तारख। ये तारख वही हैं जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, और मुअर्रखीन ने फरमाया कि आप हजरत अय्यूब के भांजे थे, और बास का कौल है कि आप हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। हजरत लुकमान ने 1000 बरस की उम्र पाई, यहाँ तक कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोबत में रहकर उनसे इल्म सीखा, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बौसत से पहले आप बनी इसराइल के मुफ्ती थे। मगर जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मनसबे नबूवत पर फायज हो गए तो आपने फतवा देना तर्क कर दिया। हजरत अकरमा और इमाम शौबी के सिवा जमहूर उलमा का यही कौल है कि आप नबी नहीं थे बल्कि आप हकीम थे, और बनी इसराइल के नहायत ही बुलंद मर्तबा साहिब ईमान और बहुत ही नामवर मर्द साले थे, और अल्लाह ताला ने आपके सीने को हिकमतों का खजीना बना दिया था। कुरान मजीद में है, और याद कीजिए जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा और वो उसे नसीहत कर रहा था, ऐ मेरे फर्जंद अल्लाह के साथ शिरक न करना, बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। ये सूरह लुकमान की आयत नंबर 20 है। हजरत लुकमान उम्र भर लोगों को नसीहतें फरमाते रहे। तफसीर फतहुर रहमान में है कि आपकी कब्र मकाम सरफंद में है जो रमला के करीब है, और हजरत कतादा का कौल है कि आपकी कब्र रमला में मस्जिद और बाजार के दरमियान में है, और इस जगह 70 अंबिया अलैहिस्सलाम भी मदफून हैं जिनको आपके बाद यहूदियों ने बैतुल मकदस से निकाल दिया था, और ये लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर वफात पा गए थे। आपकी कब्र पर एक बुलंद निशान है, और लोग इस कब्र की जियारत के लिए दूर से दूर तक भी आया करते हैं। हिकमत क्या है? हिकमत अक्लो फहम को कहते हैं, और बाज़ ने कहा कि हिकमत मार्फत और असाबत फिल उमूर का नाम है, और बाज़ के नज़दीक हिकमत एक ऐसी शय है कि अल्लाह ताला जिसके दिल में ये रख देता है उसका दिल रोशन हो जाता है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ अकवाल हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत लुकमान को नींद की हालत में अचानक हिकमत अता फरमा दी। बहरहाल नबूवत की तरह हिकमत भी एक वाहबी चीज़ है, कोई शख्स अपनी जिदोजहद और कस्ब से हिकमत हासिल नहीं कर सकता, जिस तरह के बगैर खुदा की अता के ये कोई शख्स अपनी कोशिशों से नबूवत नहीं पा सकता। ये और बात है कि नबूवत का दर्जा हिकमत के मर्तबे से बहुत आला और बुलंदतर है। हजरत लुकमान ने अपने फर्जंद को जिनका नाम अनम था चंद नसीहतें फरमाई हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह लुकमान में है। उनके अलावा और भी बहुत सारी दूसरी नसीहतें आपने फरमाई हैं जो तफासीर की किताबों में मजकूर हैं। मशहूर है कि आप दर्जी का पेशा करते थे, और बाज़ ने कहा कि आप बकरियाँ चराते थे। चुनाचे एक मरतबा आप हिकमत की बातें बयान कर रहे थे तो किसी ने कहा कि क्या तुम फलां चरवाहे नहीं हो, तो आपने फरमाया क्यों नहीं, मैं यकीनन वही चरवाहा हूं। तो उसने कहा कि आप हिकमत के इस मरतबा पर किस तरह फायज हो गए, तो आपने फरमाया कि बातों में सच्चाई और इमानतों की अदायगी और बेकार बातों से परहेज करने की वजह से। बाज़ किताबों में लिखा है कि हजरत लुकमान ने फरमाया है कि मैंने 4000 नबियों की खिदमत में हाजिरी दी है, और इन पैगम्बरों के मुकदस कलामों में से 8 बातों को मैंने चुनकर याद कर लिया है जो ये हैं। नंबर 1, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत करो। नंबर 2, जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत करो। नंबर 3, जब तुम किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आंखों की हिफाजत करो। नंबर 4, जब तुम लोगों की मजलिस में रहो तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत रखो। नंबर 5, अल्लाह ताला को हमेशा याद रखो। नंबर 6, अपनी मौत को हमेशा याद करते रहा करो। नंबर 7, अपने एहसानों को भुला दो। नंबर 8, दूसरों के जुल्म को फरामोश कर दो। उनकी दानाई से लबरेज बातों की कुछ मिसालें भी हैं। सूरह लुकमान की आयत नंबर 18 है, और लोगों से गुरूर के साथ अपना रुख न फेर और ज़मीन पर अकड़ कर मत चल, बेशक अल्लाह हर मुतकब्बिर इतरा कर चलने वाले को नापसंद फरमाता है। दुनिया में ऐसे कोशिश करो जैसे यहीं हमेशा रहना है, और आखिरत के लिए ऐसे कोशिश करो जैसे कल मर जाना है। मैंने बोलने पर बारहा अफसोस किया है मगर खामोश रहने पर कभी अफसोस नहीं हुआ। अगर मैदा खाने से भर जाए तो दिमाग सो जाता है, बेजुबान आज़ाए जिस्मानी खुदा की इबादत और रियाजत से कासिर हो जाते हैं। मैंने अक्ल बेवकूफ़ों से सीखी, दिन अफाल से वो घाटा उठाते हैं, मैं उनसे परहेज़ करता हूँ, और अहद शिकनों और झूठों पर कभी एतमाद न करो। एक किस्सा बहुत मशहूर है, मुआरफ़ मसनमी नामी किताब में दर्ज है कि हकीम लुकमान के एक अमीर दोस्त ने कहीं से तरबूज मंगवाए। वो हकीम लुकमान को बहुत पसंद करता था, इसलिए उसने हकीम लुकमान को बुलाया और तरबूज की काशें खिलानी शुरू कर दी।
हकीम लुकमान बड़े मजे से वो खाते रहे और शुक्रिया अदा करते रहे। जब एक हिस्सा तरबूज रह गया तो उस अमीर आदमी ने कहा कि अब मैं भी तो खा कर देखूं कि कितना मीठा है जो आप बहुत खुश होकर खा रहे हैं। जब उसने तरबूज खाया तो वो इंतहाई कड़वा था और खाना तकरीबन नामुमकिन था। उसने हैरत से पूछा कि लुकमान आप ये कैसे खा रहे थे? उन्होंने जवाब दिया कि दोस्त आपके हाथों से सैकड़ों अच्छी चीज़ें पाई जिनके शुक्राने से मेरी कमर झुकी हुई है। मुझे शर्म आती है कि वो हाथ जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें इनायत करता था अगर इससे कोई एक दिन कोई कड़वी चीज़ मिले तो मैं उससे इनकार कर दूँ। ऐ दोस्त इस बात के लुत्फ ने कि ये तरबूज आपके हाथों से आया है इसने इसकी कड़वाहट को मिठास में बदल दिया। इस बात से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान पर बेशुमार नेमतें नाजिल की हैं, चुनांचे अगर इंसान को कुछ तकलीफ मिले तो फौरन नाशुक्रा बनकर शिकायत नहीं करनी चाहिए। किससुल कुरान में हकीम लुकमान का ज़माना 3000 कबल मसीह करार दिया गया है, लेकिन बाज़ मुफस्सरीन और मौर्रखीन उन्हें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मसाहिब बताते हैं। इस तरह उनका ज़माना 1100 कबल मसीह के लगभग बनता है। बाहर तौर अहले अरब उनके हालात और ख़ानदान नसब से मुतल्लिक इख्तलाफ के बावजूद लुकमान या हकीम लुकमान को एक मशहूर शख्सियत तस्लीम करते हैं और सहीफ़ा लुकमान के नाम से उनके हकीमान अकवाल को कुदरत मंजिल की निगाह से देखा जाता है। तारीख़ कदीम में लुकमान नाम की एक और शख्सियत का पता चलता है जो आदे सानिया में एक नेक बादशाह गुजरा है और खालिस अरब नयाद है। इब्ने जरीर, इब्ने कसीर और सहीली ने जैसे मुस्तनद मौरखीन की राय है कि मशहूर लुकमान हकीम अफ्रीकी नस्ल थे और अरब में उनकी आमद बहसियत ग़ुलाम हुई थी। इब्ने कसीर के बकौल लुकमान नबी नहीं थे और ना उन पर वही नाजिल हुई थी। कुरान मजीद की किसी सूरत में भी ऐसा कोई इशारा मौजूद नहीं जो लुकमान के नबी या रसूल होने पर दलालत करता हो। अलबत्ता इब्ने इसाक ने वहाब बिन मंबा की रिवायत से हजरत इब्ने अब्बास का ये कौल नकल किया है कि वो नबी थे मगर रसूल नहीं थे, लेकिन बेशतर उलमाए सैर इब्ने इसाक के इस कौल से इत्तेफाक नहीं करते। इब्ने इसाक के इस कौल से जो बात मालूम होती है वो चूँकि इत्तेफाक नहीं किया जाता तो रुजुल अनफ में दर्ज है और तफसीर इब्ने कसीर में लुकमान का शजरा नसब लुकमान बिन अनकाया सारा बिन संदून दर्ज है। इन कुतुब के मुताबिक वो सूडान के नूबी कबीला से ताल्लुक़ रखते थे। पस्ता कद, भारी बदन, स्याह रंगत, होंठ मोटे और हाथ पैर भद्दे थे, मगर वो बला के नेक, आबिदो जाहिद, साहिब हिकमत और दाना थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत से वाफर हिस्सा अता फरमाया था। तारीख इब्ने कसीर में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि लुकमान नजारी का पेशा करते थे। अलबत्ता सईद बिन मसीब के बकौल लुकमान मिस्री सूडानी थे और उनके होंठ बहुत मोटे थे। अल्लाह ने उन्हें अगरचे नबूवत अता नहीं की मगर हिकमत व दानाई से वाफर हिस्सा दिया। अब्दुर्रहमान बिन हरमला कहते हैं कि एक मरतबा एक हबशी सईद बिन मसीब के पास आ निकला और कुछ सवाल किया। उन्होंने कहा कि तो इस बात से दिलगीर न हो कि काला हबशी है, इसलिए कि सूडानियों में 3 आदमी दुनिया के बेहतरीन इंसान हुए हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ग़ुलाम माजा और लुकमान हकीम जो सूडानी नोबी थे और उनके होंठ बहुत मोटे और भद्दो थे। मशहूर मौर्रख मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं कि लुकमान हकीम अरब के मशहूर कबीले आद यानी अरब बायदा की नस्ल से थे और ग़ुलाम नहीं बल्कि बादशाह थे। वहाँ बिन मंबा का कहना है कि जब शद्दाद बिन आद का इंतकाल हुआ तो हिकमत उसके भाई लुकमान को मिली और अल्लाह ने लुकमान को वो चीज़ अता फरमाई जो ज़माने के इंसानों में से किसी को नहीं अता की थी। अल्लाह ताला ने ऐसे इंसानों के बराबर इतराक आयसा वहासा अता फरमाया था। इतराक और वहासा अता फरमाया था यानी हवास की जमा है, और वो अपने ज़माने के लोगों में सबसे ज़्यादा तवील कामत थे। वहाब ये भी कहते हैं कि लुकमान बिन आद का नसब बलतात बिन सिल्क बिन वायल बिन हमीर था और वो नबी थे लेकिन रसूल नहीं। अर्जुल कुरान के मुसन्निफ भी यही दावा करते हैं कि लुकमान हकीम और लुकमान बादशाह एक ही शख्सियत है और वो आदेसानिया के नेक बादशाहों में और बहुत बड़े हकीम दाना थे, और अरब में लुकमान के नाम से जो सहीफ़ा मनसूब था वो उन्हीं लुकमान आद का है। किससुल कुरान में सूरह लुकमान की आयत 12-19 का तर्जमा दर्ज है। उसके मुताबिक लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहतें की हैं उनमें उन बातों पर जोर दिया है कि लोगों के साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए, ये ना हो कि अज़राहे गुरूर मुंह मोड़ लिया जाए और खुदा की ज़मीन पर अकड़ कर चलो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला और खुदा की ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला मगरूर और अकड़ने वालों को पसंद नहीं करता।
हमेशा रफ्तार में मियाना रवि कायम रहनी चाहिए और आवाज़ गुफ्तगु में नरम रखो, इसलिए कि चीखना चिल्लाना इंसानों का काम नहीं। अगर करख्त और बेवजह बुलंद आवाज़ पसंदीदा चीज़ होती तो गधे की आवाज़ काबिल सताइश समझी जाती, हालांकि उसकी आवाज़ बदतरीन आवाज़ शुमार होती है। किसासुल कुरान के मुसन्निफ़ कहते हैं कि हकीम लुकमान अगर ग़ुलाम होते तो अपने बेटे ग़ुलाम ज़ादे को ये नसीहत न करते, इसलिए कि गुरूर व नखुवत, खुदबीनी व शेखी, करख्तगी व खुशूनत ऐसे औसाफ़ हैं जो बादशाहों, शहजादियों, मुतमविल व साहिब और इकतदार इन साहिब इकतदार इंसानों के अंदर ही कसरत से पाए जाते हैं। इस अमर से भी इत्तेफाक है कि लुकमान हकीम और लुकमान बादशाह एक ही शख्सियत है और वो आदिसानिया के पैगम्बर हजरत हूद के पैरोकार थे। वह हबशियुल असल नहीं लेकिन अरबी नस्ल थे। ये ज़ुल्फ़िकार अरशद गिलानी की किताब किससुल अंबिया से ये बात नकल की गई है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।